हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, मैं हूँ अभी पुणे के अंदर और अभी मैं जा रहा हूँ शनिवारवाड़ा और मेरे साथ में ही है मयूर भाई। सो जा रहे हैं हम। कितना टाइम लगता है यहाँ से शनिवारवाड़ा? से बीच पर 20-25 मिनट लगेंगे। तो वो हमने पहले कैब बुक करी थी, कैब में टाइम लग रहा था काफ़ी, तो हमने सोचा ऑटो में ही चलते हैं। तो अब यहाँ से सीधा ऑटो में जा रहे हैं और हम जहाँ पे रुके हुए हैं वो होटल का नाम है क्वालिटी मिंट। ये पड़ता है खाओसन, राइट? खाओसन जगह है ना, ऐसी कुछ करके है पुणे के अंदर, खाओसन करके है। तो यहाँ पे हम रुके हैं, तो यहाँ से हम जा रहे हैं शनिवार बड़ा। तो गाइस, बाकी आपको आगे की सारी चीज़ें वहीं पर दिखाता हूँ। तो लेके चलते हैं आपको शनिवार बड़ा, तो बने रहे वीडियो में। तो गाइज, मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे शनिवारवाड़ा के अंदर और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर। तो ये पूरा दिन खुला रहता है या इसका कोई टाइमिंग रहता है? रात को 8 बजे के बाद बंद हो जाता है। 8 बजे के बाद बंद हो जाता है। और अभी बज रही है 12:15, तो हम दोपहर में ही आ गए और यहाँ से जा रहे हैं हम अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ शनिवारवाड़ा। तो यहाँ से जानते हैं इसकी हिस्ट्री मयूर भाई से। तो मयूर भाई, इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब यहाँ पे किसकी शूटिंग हुई थी आप बता रहे थे? जैसे ये बना था बाजीराव पेशवा है। अच्छा, बाजीराव मस्तानी जो पिक्चर आई थी, तो उसकी शूटिंग वैसे यहीं हुई थी या क्या, मतलब? उसकी शूटिंग इनका तो अलग से सेट बना था, सेट बना था बट अच्छा, जो एक्चुअल में है वो यहाँ पे है गाइस। ये है वो जगह शनिवारवाड़ा पुणे के अंदर और इसकी टिकट लगती है आई गेस 10-20 रुपये होती है। अंदर यहाँ से जा सकते हैं और ये जगह है वो, तो आइए लेके चलता हूँ। तो ये हमारे साथ वाले सारे पहुँच चुके हैं शनिवारवाड़ा में और ये यहाँ पे 25 रुपये टिकट है, फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये टिकट है। तो ये मैम टिकट ले रही हैं यहाँ से। इसी हम आ चुके हैं शनिवारवाड़ा में, एकदम जंगल है ये। और ये मेरे साथ में है मिस सना और हम आ चुके हैं शनिवारवाड़ा के अंदर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, पार्क जैसे ही है ना यहाँ पे, मतलब लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, जैसे दिल्ली में जैसे कैसे हुमायूं टॉम्ब वगैरह। कौन सी मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे? हुई थी यहाँ पे, नहीं हुई थी यहाँ पे एक्चुअल में, जो मेन एक्चुअल जो बाजीराव मस्तानी है वो इधर का ही है। पद्मावत थी क्या? हाँ वही, जो बाजीराव मस्तानी थी पहले वो भी। सो गाइज, यहाँ पे ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे फोटोज़ लोग खिंचवाने आते हैं मेन, और कपल्स वगैरह आते हैं यहाँ पे। और बाकी इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये पुराने ज़माने का जो पूरा बना हुआ है, ये एक्चुअल में जो बाजीराव मस्तानी जो एक्चुअल में जो पिक्चर आई थी उसके ऊपर ये पूरा इन पे फोकस किया गया है यहाँ पे। और ये एक्चुअल में यहाँ पे पूरा जल गया था, तो इसको पूरा जलने के बाद में इसको पूरा तैयार किया गया था। तो उसके बाद में यहाँ पे तैयार करने के बाद में इसको फिर से इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया शनिवारवाड़ा को। और यहाँ पे टिकट लगती है 25 रुपये फॉर इंडियंस और अगर फॉरेनर्स हैं तो 300 रुपये लगती है। तो गाइस, ये एक
वन ऑफ द बेस्ट फोटो के लिए जगह है जहाँ पे लोग क्लिक करवा रहे हैं, और इसी के पीछे यहाँ से ये पूरा गार्डन वगैरह दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये पूरा गार्डन वगैरह दिख रहा है और यहाँ पे लोगों की भीड़ जमा है। आइए लेके चलता हूँ आपको आगे थोड़ा बहुत। सो चला, कैसा लग रहा है यहाँ पे पुणे में? फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है। नाइस। सो और अच्छा लग रहा है। वैसे आप कहाँ से हो? मैं अमृतसर। वैसे ही अमृतसर से हैं और पुणे फर्स्ट टाइम आई हैं। मैं पहले आ चुका हूँ गाइस, 8-10 बार आ चुका हूँ पुणे, बट शनिवार वाड़ा मैं खुद पहली बार आया हूँ। क्योंकि मतलब हर बार मौका बनता था कि जाएंगे बट किसी कारण से कैंसिल हो जाता था। यहाँ पर और क्या है? यहाँ पे और एक सियागढ़ फोर्ट ऐसी नाम है, और पास में लोनावला है। अगर आप जा सकते हो, 2 घंटे का रास्ता है, ट्रेन से जा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो। नहीं नहीं अभी तो मतलब नहीं है, चलो अभी तो लेट हो जाएगी। और इधर और क्या है? और यही चीज़ें हैं बस घूमने लायक, और मॉल्स वगैरह है। फिनिक्स मॉल मैं गया नहीं हूँ कभी, बट हाँ मॉल अच्छा है। हाँ तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, तो ये देख सकते हैं आप। मतलब गर्मी इतनी है गाइस यहाँ पे, मतलब गर्मी होगी, मार्च का टाइम चल रहा है, बट तो भी लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, जैसे हम आए हैं। तो बस ठीक है, अच्छा लग रहा है वैसे। बट गाइस आई गेस 1 या 2 टाइम आप आ सकते हो, उसके बाद में आप यू विल गेट बोर्ड, तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकते आप। तो गाइज ये है नारायण गेट और पुणे के अंदर, ये यहाँ पे लिखा है मराठी के अंदर नारायण दरवाजा। दिस गेट वॉज कॉल्ड नारायण दरवाजा एज इट्स हिस्टोरिक विटनेस फॉर नारायण पेशवा हेलमेंट्स क्राय काका माला वाचवा हेल्पर्स अंकल सेम। यहाँ पे एक जामबुल का ट्री है और वो पता नहीं कहाँ पे है, इधर ही किधर है। Stylus. तो गाइस यहाँ पे ये इसका इतिहास लिखा हुआ है कि जो गो दुबई थी वो बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे, फर्स्ट पेशवा के जो ब्रदर थे, उनकी वाइफ थी यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे चैम्बर को बनाया था। और ये शनिवार वाड़ा यहाँ पे इसका नाम दिया गया था इसको। और यही वो जगह है। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं हूँ शनिवार वाड़ा के अंदर, तो यहाँ पे इसकी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। तो इसमें यहाँ पे पेशवा ने अपने यहाँ पे नेफ्यू को मारा था इसी जगह पे। और ये यहाँ पे अलग अलग जगह आप देख सकते हैं, पत्थर हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनी हुई हैं। तो आइए लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ क्या बोल पास। तो गाइज ये यहाँ पे शनिवार वाड़ा में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि जल चुकी है, और ये सिर्फ अभी माइटी एम्पावर के नाम से ही पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले की जो चीज़ें थी ऑलमोस्ट सारा पूरा जला हुआ है। तो उसको इन्होंने ये एक प्लेस बना दी है, और जो पेशवा थे उन्होंने इसको फॉरेनर्स को देके खुद वो प्रिजनर में चले गए थे, और तो उस वजह से यहाँ पे ये पूरा जल गया था। उसके बाद में 7 दिन के अंदर अंदर ही 7 दिन तक जला था ये पूरा। और ये यहाँ पे इसी वजह से इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया कि जिससे यहाँ पे लोग आएँ और इसको देखें। और ये यहाँ की कहानी है, और जो बाजीराव मस्तानी जो पेशवा जो थे मेन, वो यहाँ की कहानी है। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर, और ये था यहाँ का ओवरऑल शनिवार वाड़ा, जो कि ठीक ठीक है, एक टाइम विजिट है। सो अभी जा रहे हैं यहाँ से बाहर,
तो उसके बाद मोर आ गया, आपको दिखाता हूँ।